जल निगम की बड़ी लापरवाही, पहाड़ी गेट से मोहल्ला पंखेवालान तक सीवर लाइन जगह जगह से धस गई, जिसमें एक मकान एक गरीब व्यक्ति का पूरी तरह से गिर गया और कई मकानों में दरारें पड़ गई। इस कारण लोगों में आक्रोश, सीवर लाइन धसने से मकान में दरारें पड़ने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर। जल निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी समस्या का हल नहीं किया। सड़क में गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए और कई जगह से सड़क धस गई है। ये मुख्य मार्ग है जो कई मोहल्लों को जोड़ने वाला मार्ग है, जो पहाड़ी गेट से पंखेवालान, बिलासपुर गेट, बगीचा ऐमना, हाथा और कई मोहल्लों को जोड़ता है। आज इन सब मोहल्लों के लोग जमा हुए, उनमें काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां की। अब देख सकते हैं किस तरह से मुख्य मार्ग है और इस मार्ग में इतने गहरे गड्ढे हैं और पूरी सड़क धसी हुई है। आम लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। कई जगह सीवर की लाइन टूट भी गई है, जिस कारण से सीवर का गंदा पानी बाहर आ रहा है। इन सब के बीच एक ख़तरनाक बात यह है कि बीच सड़क पर जहां पर सीवर लाइन धसी हुई है, वहां पर बिजली के दो खंभे लगे हुए हैं रोड पर, जिन पर ट्रांसफार्मर रखा है और 11,000 की लाइन उन पर जुड़ी हुई है, उन खंभों से जा रही है। ये खंभे भी सीवर लाइन धसने की वजह से आड़े हो गए हैं। कभी भी ये गिरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को जब इसकी शिकायत की तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खंभों को हटाकर दूसरी जगह लगाने के बजाय उन खंभों को तार बांधकर खींचकर जुगाड़बाजी कर रोक दिया। उसके अलावा इस रोड पर कई बेकरियां हैं और उसके अलावा एक अस्पताल भी है जहां पर मरीजों का आना जाना रहता है। अब इतनी ख़राब सड़क और सड़क में गहरे गड्ढे होने की वजह से इमरजेंसी मरीज कैसे आ पाएगा? मोहल्ले के बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का निकलना दुश्वार हो गया है। बहरहाल जिस तरह से योगी सरकार के गड्ढा मुक्त के दावे हैं, योगी जी का सख्त आदेश है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए और सभी अधिकारियों को उनके निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से ये सीवर लाइन धंसने की वजह से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं और जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं उन लोगों को अपनी जान और माल का खतरा हर वक्त बना रहता है। सीवर लाइन धंसने का जिम्मेदार कौन, जल निगम या नगर पालिका? दोनों ही इस ओर से बेखबर है। शायद किसी बड़े हादसे का ये दोनों विभाग इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब हमने मोहल्ले के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया, हमने कई बार इसकी शिकायत जल निगम और नगर पालिका में की है, लेकिन वहाँ से कोई भी कर्मचारी अधिकारी हमारी समस्या का समाधान करने एक बार भी यहाँ नहीं आया है। हम इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे रिजवाना बेगम, आपका ये मकान जो गिरा है कैसे गिरा? ये सीवर टूट गए और इससे पानी से पाइप के और उसको संभाल ले रहे हैं। इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए। हम जाके DM साहब के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए और आते ही फोटो वोटो खींचते हैं, ले जाते हैं, मगर कोई वो नहीं है। चेयरमैन साहब के पास भी, उन्होंने तो बस निराशा ही दिया और कुछ नहीं करा किसी ने। उन्होंने DM साहब ने भेजा था, उन्होंने अपने वो भेजे थे नेकपाल, वो भी उल्टा सीधा कह के चले गए। ये कह दिया कि इसमें कोई नहीं रहता था, जब दब जाते हैं मर जाते हैं, जब पता चलता कोई रहता है। अभी आप घरों की दोनों की कंडीशन देखेंगे कि रह रहे ही नहीं रह रहे, सारी जरूरतों का सामान पड़ा हुआ है उसमें, रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, हम भी हैं, बूढ़ी सास भी थी हमारी, उनकी कोठली टूटी और उन लोगों ने ये कहा कि कोई रहता नहीं। तो आपका पूरा घर गिर गया है? जी जी। कैसे रह रही हैं आप? कहाँ रह रहे हैं? हम बहुत परेशानी से रह रहे हैं। और बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। पति क्या, शोहर क्या करते हैं आप? कोई कुछ नहीं करते हैं, पहले कार चुप करते थे, अब बीमार रहते हैं, कोई ज्यादा नहीं काम हम। और बड़ी बच्ची है, छोटे लड़के हैं, वो अब एक मजदूरी करता है और एक कारपेंटर का काम करता है। कोई अधिकारी या कर्मचारी आया आपके पास? जी नहीं, कोई नहीं आया। क्या चाहती हैं आप? हाँ, यही चाहते हैं कि हाँ वो लोग या तो मोदी योजना से बनवाएं या अपना आप कोई सहायता करें, हमारे हम इस लायक नहीं है, किराए पे भी जाने के लायक नहीं है हम। क्या नाम है आपका? अख्तर। ये मकान किसका है? मेरा है। कैसे गिर गया? ये पानी की लाइन से लीक थी और ये सीवर सब बैठ गई पानी से, इससे गिर गया, पूरी सड़क बैठ गई पानी से, सब पूरा घर हमारा नीचे को आ गया पानी से सब। तो आप कैसे रह रहे हैं? आप परेशानी से रह रहे हैं, देखिए आप कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई कंडीशन क्या है, बस रह रहे हैं जैसे भी रह रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, किराए के मकान में जाएंगे, कहाँ उठेगा किराए के मकान, भी कहाँ पे जाएंगे हम? DM साहब से मिले आप? नहीं मिले, तो हम सबसे मिले, बस किसी ने कोई हमारी मदद तक नहीं करी है, कोई सहायता नहीं करी है। किसी ने हमको ये भी पूछा कि तूने खाना खाया है? नहीं भी खाया है। इसको 2 महीने 5-7 दिन हो गए साहब, 2 महीने 7 दिन हो गए। चेयरमैन साहब का नहीं भी गए, कई दफ़ा गए चेयरमैन साहब का, उन्होंने भी कहा हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा। मेम्बर साहब का नहीं भी गए, उन्होंने भी सारा दिया हमें हो जाएगा भाई, अभी तक हुआ कुछ नहीं है।
जी, ये जो सीवर बैठी हुई है इससे एक मकान गिर भी गया है और कई मकान भी गिरने की कगार पर है। ज्यादा कितने के मकान पे ज्यादा मकान चाहेंगे? ये कहना चाह रहा था इसको सही कराया जाए, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही। इनके मकान भी, हमारे मकान भी आ गए हैं, लोगों के मकान आ गए हैं, सब सीवर गिरे जा रही है। जब सीवर ही सही नहीं पड़ी तो सब लीकेज है पानी में, उसमें कई मकान खतरे में है, खतरे में कई जानों का भी खतरा है, सबका खतरा ही, साहब खतरा ही खतरा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को निकलने का भी खतरा है। तो क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद इस सीवर को सही कराएगा? सब बिल्कुल लापरवाही है उनकी, सब प्रशासन की। किसी उच्च अधिकारियों को शिकायत की आपने? सब डीएम साहब से भी कल कहा था, डीएम साहब से, नगर पालिका में जाकर कहा, यू साहब से, वो कोई आज भी तक कोई नहीं करा। क्या वजह है, मतलब क्यों इतना बोर नहीं दे रहा? पता नहीं सब क्यों नहीं दे रहा है। कई मकान गिर गया इनका, गरीब आदमी का, इनको भी मुआवजा नहीं मिल रहा। इनको तो मिलना ही चाहिए, सही तो बहुत ही गरीब है, रोटियों को लाने साहब इनके यहाँ तो रोटी को ला लें, इनकी घर बनवाया जाएगा। हमारी सीवर जो जगह जगह धंसी हुई है, काफ़ी घर खतरे में है, क्या कहना चाहेंगे? ये मोहल्ला पंखे वालान से लेकर पहाड़ी गेट तक जो सीवर की मेन लाइन पड़ी हुई है, वो जगह जगह से लगभग 20-20 मीटर की जगह पे से धस गई है, और उसमें इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि अगर रात में अंधेरे में कोई बड़ी कार या सवारी भी उसमें आ जाए तो पूरी बैठ जाएगी। जान का और माल का दोनों चीज़ों का नुकसान है। कई मकान ऐसे हैं जो रोड के किनारे बने हुए हैं, और उनमें अभी आपने कवर किया है तो जो मकान रोड के किनारे बने हुए हैं उनकी जगह नीचे से बिल्कुल खाली हो गई है। वो मकान दो मंजिला बने हुए हैं, कभी किसी वक्त भी वो मकान गिर सकते हैं। अच्छा, एक खंबा जिस पर 11,000 की लाइन है, वो खंबे भी काफ़ी, वो खंबे आपने देखे हैं, आपने कवर किए हैं। पहाड़ी गेट के पावर स्टेशन पे कई बार उसकी कंप्लेंट हो चुकी है। जेई साहब खुद आए थे, आके देख के गए थे, उसकी फोटो लेके गए थे, तार वार लगा के उसको टेम्परेली रोक गए हैं। मेरे ख्याल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी का जानी माली नुकसान ना हो जाए, तब तक शायद कोई कार्रवाई इस पर होगी नहीं। तो आपके माध्यम से सब लोगों ने आपको बुलाया इसीलिए है कि आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक चली जाए और इस पर कार्रवाई हो जाए। आपके हॉस्पिटल के आगे से काफ़ी लंबी ये सीवर बैठी हुई है, आपको मरीजों को किस तरह की दुश्वारियाँ हैं? 24 घंटे का मेरे यहाँ मुहैया है, मेरे मरीजों को परेशानी है, किधर से आएंगे किधर से जाएंगे, और एमरजेंसी मरीज आता है, 24 घंटे एमरजेंसी है। अब ये डिलीवरी का केस होता है तो वो रुक तो घर में रुक नहीं सकता, वो तो आएगा, अब जब रोड ही बंद हो जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा, किधर जाएगा? किस तरह की रोड का हाल है इस वक्त आपके? इस वक्त रोड का हाल यह है कि रिक्शा नहीं आ सकती, पैदल चलना भी मुश्किल है जी। पूरी रोड बैठी हुई है, दोनों साइडों से बैठ गई है, ना इधर से आ सकती ना उधर पहाड़ी गेट की तरफ से आ सकती। कोई नगर पालिका से या डीएम साहब के कोई कर्मचारी अधिकारी आए? नहीं, हमने नहीं देखा। किसी शिकायत की संदेश? शिकायत यहाँ मोहल्ले वासियों ने हमारे की यहाँ से सबने, मगर कोई आया नहीं। सुरु भाई, ये जो लाइन बैठी हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है इसके बारे में, ये जो बेचारे सड़क के किनारे जिन लोगों के मकान हैं, सब गरीब लोग रहते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इनको मुआवजा दे, और जो इनका ये घर गिरा है, ये बेचारे पन्नी डाल करके रह रहे हैं। और मैंने भी इसमें मामून शाह खान साहब से कहा था, मैंने कहा भाई ज़रा आके इस पर नज़र डाल लो, हाँ मैं आऊँगा मैं, और वो आए या नहीं आए मुझे तो खैर नहीं पता, अभी पता चला कि वो नहीं आए थे। खैर देखिए, पूरी रोड जो है, कितनी लंबी रोड ये रोड तकरीबन 800 मीटर की रोड है, और ये इस पे जो इंटरलॉकिंग है वो सब ऐसी ही ऊपर से ही है इंटरलॉकिंग, अंदर जो है वो बिल्कुल धसी हुई है। ये रोड कई मोहल्लों को जोड़ती है ये, हाँ देखिए, दो वार्डों को जोड़ रही है, वार्ड 40 को जोड़ रही है, और ये वार्ड कौन सा कहलाता है, 5 नंबर, ये दो वार्डों को जोड़ रही है, इसमें 5 नंबर वहाँ बिलासपुर गेट तक जाता है ये। अब ये समझ लें कि जो पानी मतलब रुक रहा है इसमें और सीवर फट गई है इसकी, तो इन लोगों के तो मकान गिरना ही गिरना है। यही कहना चाहूँगा, जैसे सीवर के अंदर जो भी कमी है, स्पेशली तो मेरे घर के आगे है, मेरे घर के सामने 11,000 की लाइन जा रही है, ट्रांसफार्मर है, शायद मैंने कोई अधिकारी छोड़ा नहीं जहाँ पर कह रहा है, गया नहीं, और 2 बार कंप्लेंट मैंने डाली CM पोर्टल पर, वहाँ डाली, उसके 8 दिन बाद वहाँ पर मेरे पास अधिकारी आए, मुझे खड़ा करा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा फ़ोटो ले लिया, मैं चला गया साथ में, चले गए वो। और फिर मैंने यहाँ के जो हैं जई साहब को रिपोर्ट करी, जई साहब आए, बोले अरे बहुत खंभे गिर रहे हैं आपको, आप घर छोड़ दो 4-5 दिन के लिए, मेहरबानी होगी और हम आपका करा देंगे। जई के साहब के साथ और भी अधिकारी आए थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, मैंने सर मैं घर खाली कर दूँगा 4-5 दिन के लिए, और बोले हम आपका 4-5 दिन के अंदर ही ट्रांसफार्मर तार वार सब अलग अलग कर देंगे,
जगह वो भी चूज़ की उन्होंने, लेकिन 20 दिनों का कोई ब्लड के नहीं आया। मैंने कॉल करी, मेरा कॉल का कोई बैकअप नहीं दिया। फिर एक बार कॉल और उन्होंने रिसीव भी करी दोबारा एक बार, तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये हमारा काम नहीं है, आप जो है जल निगम को बात करो। मैंने जल निगम के अधिकारी को भी बात करी, हालांकि वो कुछ थोड़ा सा बेहतर निकले उनसे कि उन्होंने थोड़ा सा भराव दो तीन ट्राली डलवाई। रोड बिल्कुल बैठ गई है और पानी अंदर ही अंदर भर रहा है उसका, और आज भी मैंने मट्टी थोड़ी डाली और मट्टी भी नहीं पड़ रही, इन्हीं के नगर पालिका के मट्टी डाल दें आन के, वो बहुत ही परेशानी हो रही, निकलने की परेशानी हो, मेरा मकान खतरे में है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहता हूँ उसको गड्ढा जो कम से कम मिट्टी डाल दे और फिर रोड बनवाई जाए उसको। आप जैसे कितने मकान हैं जो इसी तरह से खतरे में? सब मकान ही मकान है, सब पूरे रोड से मकान ही है, वो सब खतरे में है मकान, वो सब खतरे में है।